उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैली प्रभु श्री राम की तपोस्थली धर्मनगरी चित्रकूट धाम को फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। यूपी और एमपी सरकारों के मध्य हुए अनुबंध के अंतर्गत अब एक दूसरे राज्य की सीमा में आने जाने के लिए दोनों प्रदेशों के वाहनों को सीमा पर यात्री कर नहीं देना पड़ेगा। अभी तक दोनों राज्यों की सीमाओं पर चेकपोस्ट लगाकर आने वाले वाहनों से यात्री कर वसूला जाता था, जिससे तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के वाहनों को दिक्कत होती थी। इसको लेकर साधु संतों व आम लोगों द्वारा वर्षों से चित्रकूट तीर्थस्थलों को फ्री जोन की मांग की जा रही थी। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार ने अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश परिक्षेत्र को कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था। वहीं सोमवार 22 अगस्त को हुई लखनऊ में 23वीं बैठक में एमपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर मध्य प्रदेश परिक्षेत्र को कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से संत समाज व आम लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने दोनों सरकारों को चित्रकूट को फ्री जोन घोषित करने पर आभार जताया है। योगी जी ने जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और जिनकी निरंतर ये लगाव रहता है कि धार्मिक स्थलों का किस प्रकार से पुरजोर से बहुत उत्तम विकास हो, इसके लिए वो निरंतर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने फ्री जोन घोषित किया और इसके पश्चात मध्य प्रदेश ने भी जो है फ्री जोन घोषित कर दिया, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतें जो यात्रियों को दर्शन करने में आवागमन करने में आती थी वो समाप्त हो चुकी हैं। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपोस्थली है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र, बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो लोग अपने निजी साधनों से आते थे या बसों से आते थे, तो वो अगर यूपी और एमपी में इधर उधर कर गए तो तुरंत यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे टैक्स लेने का प्रयास करते थे। अब बाहर से जो आदमी है तो आर्थिक रूप से इतने मजबूती से नहीं आता है, तो लोग परेशान होते थे। अब ये पूरा एरिया जब मोटर कर वाहन से मुक्त कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से लोग शांतिपूर्ण तरीके से और चिंता मुक्त होकर के यहाँ आकर के दर्शन अर्चन पूजा करेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र में से आते वक्त हम पहले एमपी में फिर यूपी में गए और फिर हमको कौन सी तकलीफ हुई नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस हमको मिला नहीं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे सब फ्री कर दिया है, इसलिए यात्रियों के लिए बहुत ये अच्छा है। दोनों सरकार का धन्यवाद।